राजधानी दिल्ली में जहां तापमान 3.1 डिग्री पहुंच चुका है, न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री। 21 दिसंबर से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और देश की राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री तक जा पहुंचा है। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है और आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं। मेरी सहयोगी श्रद्धा चतुर्वेदी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रद्धा, 21 दिसंबर से घना कोहरा छाया रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 डिग्री तक जा पहुंचा है। जी पूर्णिमा, 3.1 डिग्री सेल्सियस, हम सुबह लोधी रोड से रिपोर्ट जब बात कर रहे थे तब 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। और ये जो तापमान आप बोल रहे हैं वो दिल्ली के लोधी रोड का टेम्परेचर है। दिल्ली के ओवरऑल अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो 3.2 डिग्री सेल्सियस अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसमें लोधी रोड का जो टेम्परेचर है वो सबसे कम यानी 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में सफदरजंग के आसपास का जो एरिया है, तो चूंकि भीड़ भाड़ वहाँ पर ज़्यादा होती है तो वो गर्म यानी हॉट एरियाज में वो आते हैं, वहां पर 4.4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। लगातार जो आईएमडी के जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि 20 दिसंबर के बाद में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में हम देख रहे हैं बीते एक हफ्ते से लगातार बर्फबारी जारी है, उसकी वजह से जो हवा का जो विक्षोभ है वो उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा। और क्या अनुमान जताया गया है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर और गिर सकता है? बिल्कुल, और गिरेगा। और 20 दिसंबर एक ऐसी तारीख बताई जा रही है अंजलि कि इसको रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज किया जाएगा। अभी जो बीता शनिवार था तब रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज किया गया था और 20 दिसंबर और 21 दिसंबर के आसपास जो आईएमडी के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज किया जाएगा। और इसी को लेकर के वो ये कह रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर ठंड बढ़ेगी तो कोरोना का प्रकोप भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। एक्सपर्ट, चाहे हम मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स की बात कर लें, डॉक्टर के एक्सपर्ट्स की बात कर लें, सभी ये कह रहे हैं कि एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में जो दिल्ली में शीतलहर का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ेगा, कोहरा भी घना देखने को मिलेगा और टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। ये देश की राजधानी दिल्ली और पूरे देश भर में ठंड के हालात तमूमन ऐसे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए श्रद्धा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।